हेलो भाई, दिस इज इंशुल माल। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है जीप कंपस के बारे में, क्योंकि जीप कंपस का आपने देखा होगा फेसलिफ्ट आ गया है, न्यू वर्जन, न्यू मॉडल 2021। तो काफ़ी अच्छी लग रही है जीप कंपस, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी गई है। बाहर से इतने एक्सटीरियर में ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं जितने इंटीरियर में करे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का इंटीरियर दिया है इस बार। जीप एक अमेरिकन कंपनी है और काफ़ी कॉस्टली है गाड़ी, इंडिया में करीब 20 से 25 लाख के बीच में आती है। लेकिन जो इस गाड़ी का मज़ा है ना, वो शायद ही और किसी गाड़ी में आपको मिलेगा इस सेगमेंट में, क्योंकि इसका जो फिएट सोर्स डीजल इंजन है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है चलाने में। तो आप देख ही सकते हैं, इसका फ्रंट बम्पर जो है रिडिज़ाइन किया गया है, और फॉग लैम्प की हाउसिंग जो है चेंज कर दी गई, पहले थोड़ा नीचे आती थी अब थोड़ा ऊपर करके, और उसका डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया है। तो काफ़ी मस्कुलर लग रही है अभी पहले से भी, और ग्रिल भी आप देख सकते हैं, ग्रिल में भी चेंजेस है। रियर में कोई ख़ास चेंज नहीं करा गया है, बहुत ही माइनर से ट्विक्स की गए हैं जो कि आपको बहुत ही ध्यान से देखने पर पता लगेंगे। सेम मेरे को पहले की तरह ही लग रही है, बहुत ही माइनर चेंजेस हो सकते हैं अगर हो सकते हैं तो, लेकिन ओवरऑल जो है अच्छी लग रही है गाड़ी पहले के मुकाबले। तो पहले मुझे इसकी जो इंटीरियर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। ये आप LED हेडलैम्प देख सकते हैं न्यू जीप कंपास 2021 के, और फॉग लैम्प भी आप जो है पास से देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर शेप में दिया गया है बिल्कुल साइड में, और अच्छी हेडलाइट्स लग रही हैं इस बार। और अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, 18 इंच का अलॉय व्हील है, डायमंड कट अलॉय व्हील। तो इस गाड़ी के हिसाब से 18 इंचज़ का अलॉय जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फॉर्चुनर वगैरह में भी आप देखते हैं, एंडेवर में भी 18 इंच का ही अलॉय आता है। तो काफ़ी अच्छा साइज़ और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। और ये है इंटीरियर की लुक, देखिए आप तो काफ़ी मतलब प्रीमियम इंटीरियर लग रहा है। आप 10 इंच की, 10.1 इंच की जो है आपको टच स्क्रीन दे दी गई है एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ, काफ़ी सारे फीचर्स है इसमें, कनेक्टेड कार। और ये देखिए स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी अच्छा, पहले से ही आपको कुछ कुछ रेंज रोवर की जो है याद दिलाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। हल्की सी व्हील मुझे इसमें रेंज रोवर की लगती है जहाँ पर जीप लिखा हुआ है, और पुश बटन स्टार्ट भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में। और 10.25 इंचज़ की जो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की टच स्क्रीन मिलेगी, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको एल्पाइन का ऑडियो सिस्टम मिलेगा, बहुत ही अच्छी साउंड, प्रीमियम साउंड ऑफर करेगा ये सिस्टम जीप कंपस के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है जीप कंपस का इस बार प्राइस भी बढ़ा देंगी, ये भी देखने लायक बात होगी, क्योंकि 26 जनवरी को जो है लॉन्च होने वाली है जीप कंपस। और यहाँ आपके देख सकते हैं आपको फोर व्हील ड्राइव के ऑप्शंस कुछ, और हिल होल असिस्ट वगैरह, और ये सब फीचर ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये इसमें दिख रहा है, जैसे कि आपको ट्रांसमिशन, और ये फोर व्हील ड्राइव लॉक का ऑप्शन, फोर व्हील ड्राइव लॉक करने का, होल्ड का, ये सभी फीचर्स हैं। और इस बार जो है काफ़ी फीचर रिच है न्यू जीप कंपस, देखिए 360 कैमरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा आगे, और साइड में भी होंगे कैमरा, रियर में भी होगा, तो 360 व्यू कैमरा भी दे दिया गया है इस बार। वेंटिलेटेड सीट्स भी प्रोवाइड करी गई हैं इस बार जीप कंपस में, और आपका वायरलेस चार्जिंग भी दे दी गई है इस बार, और जो बूट है वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होगा, मतलब जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिकली होगा जैसे फॉर्चुनर एंडेवर वगैरह में होता है। तो वो भी काफ़ी एक कूल फीचर जो ऐड कर दिया गया है जीप कंपस में। बाकी और आपको काफ़ी फीचर्स मिलेंगे, कनेक्टेड कार रहेगी इस बार, ये कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी डाल दिए गए हैं जीप कंपस में। पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा आपको। बाकी जो जीप कंपस का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो डिजिटल दे दिया है पूरा, तो वो काफ़ी अच्छा देखने लायक चीज़ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है वो देखने में। और प्राइसिंग की बात करें तो आप सबको पता ही है कि इतने सारे फीचर्स ऐड करे गए हैं, तो पैसे भी बढ़ाएगी जरूर जीप कंपस, तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 लाख रुपए तक बढ़ा सकते हैं इस बार। और अब बात कर लेते हैं इंजन की, तो इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन मिलेगा जीप कंपस में। पेट्रोल में आपको 1.4 लीटर का इंजन मिलेगा, मतलब 1368 cc का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 163 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देगा, और 250 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और ये 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटो के साथ आपको मिलेगा। और डीजल जो कि बहुत ही फेमस इंजन है,
2 लीटर का यानी 1956 1956 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि आपको 173 bhp देगा और 350 Nm की टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो भाई ये आपको मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल 4x2 4x4 ऑप्शन के साथ, और 9 स्पीड ऑटो मिलेगा आपको 4x4 के साथ। तो काफ़ी अच्छा मुझे गेयरबॉक्स लग रहा है इस बार, और बाकी देखते हैं जब जीप कंपस लॉन्च हो जाएगी तो उसका प्राइस की वेट है सबको, लेकिन बहुत ही अच्छा ऑफर दिया गया। और बाकी अब एक्सयूवी आ रही है उसके कंपटीशन में, और टाटा सफारी भी लॉन्च होने वाली, तो देखते हैं कांटे की टक्कर रहेगी इस बार गाड़ियों में। बाकी जो जीप कंपस लवर है, जिनको पहले कमी लगती थी कि इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद उसमें फीचर्स नहीं है, तो वो कमी अब जीप ने पूरी कर दी है। तो आप जाके अपनी जीप कंपस अब बुक करा सकते हैं। तो लॉन्च होने के बाद आप जो है टेस्ट ड्राइव लीजिए जीप कंपस की, और उसकी थ्रस्ट फील कीजिए कैसी आपको फील होती है, और अच्छी लगे तो आप ज़रूर खरीदिए उसको, बहुत अच्छी गाड़ी है जीप कंपस। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो मैं आगे भी आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा और भी गाड़ियों से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।